हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वेस्टिस विद्यापीठ। इन ऑनलाइन क्लासेस टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट इंग्लिश एंड योर टॉपिक एंड एडमिश होता बेटा। और यहाँ पे मैं दो नाउंस के बीच में एंड का प्रयोग करके बताऊंगी। यहाँ पे आप लोग एंड का प्रयोग कैसे करना है आप लोग ध्यान से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ फिगर्स बनाई हूँ, फिगर्स के माध्यम से मैं आपको एंड का प्रयोग यहाँ पे पढ़ने के लिए बता रही हूँ। तो बेटा आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैं फिगर्स फर्स्ट फिगर बनाई हूँ आपका, यहाँ पे ब्रेड, ब्रेड मीन्स क्या होता है, रोटी। सेकेंड फिगर है आपका बटर, बटर मीन्स क्या होता है, मक्खन। थर्ड फिगर है आपका गर्ल, गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की। यहाँ पे मैं ब्रेड और बटर को दोनों को एक साथ में यहाँ पे बनाती हूँ। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो है गर्ल, गर्ल क्या कह रही है, तो बेटा आप यहाँ से देखिए, जस्ट ब्रेड, यथी छी बस रोटी, जस्ट जस्ट बटर यथी छी बस मक्खन। और यहाँ देखिए ब्रेड एंड, ब्रेड और बटर को एक साथ कर दिया गया है, ब्रेड एंड बटर यमी, सब दोनों को साथ में कर दिया गया है, तो क्या है, ब्रेड एंड बटर यमी अब स्वादिष्ट है। तो बेटा इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर के माध्यम से बता रही हूँ, तो देखिए ध्यान से। तो बेटा देखिए, मैं यहाँ पे फिगर बनाई हूँ सूज, सूज का यहाँ पे सॉक्स। तो देखिए बेटा, शूज मिस होते हैं मोजे, सॉक्स मिस होते, शूज मिस होते हैं जूते, सॉरी सॉक्स मिस होते हैं मोजे। तो देखिए बेटा, इनको दोनों दोनों को हिसाब में से पढ़ते हैं, शूज शूज एंड सॉक्स, शूज एंड सॉक्स, दोनों नाउंस के बीच में देखिए यहाँ पे एंड आया है आपका। तो जूते और मोजे, जूते और मोजे को जब हम एक साथ पहनते हैं तो क्या लगता है, अच्छा लगता है ना बेटा। तो यहाँ पे देखिए आपका फिगर है टेबल का और यहाँ पे चेयर का। टेबल मीन्स होता है मेज, चेयर मीन्स कुर्सी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, टेबल एंड चेयर, यहाँ पे बीच में दोनों नाउंस के बीच में देखिए यहाँ पे एंड का प्रयोग किया गया है, टेबल एंड चेयर, मेज और कुर्सी। सर कुर्सी पे आप क्या करते हैं, बैठते हैं, और टेबल पे आप अपनी नोट्सबुक को रख के क्या करते हैं, आपको लिखते हैं, या बुक को यहाँ पे रख के आपको पढ़ते हैं, तो आपको अच्छा लगता होगा। और यहाँ पे देखिए बेटा आपका बैट, यहाँ पे मैं बैट का फिगर है, बैट मीन्स होता है बल्ला, बॉल, बॉल मीन्स होता है गेंद। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए बैट एंड बॉल, इन दोनों नाउंस के बीच में क्या है आपका, यहाँ पे एंड का प्रयोग किया गया है, बैट एंड बल्ला, सॉरी बैट एंड बॉल, बल्ला और गेंद, बल्ला और गेंद, तो दोनों को एक साथ अलग अलग खेलने में अच्छा नहीं लगता है, दोनों को जब हम एक साथ खेलते हैं तो क्या लगता है, अच्छा लगता है बेटा आप लोगों को, जब आप लोग बैट और गेंद को एक साथ खेलते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लगता है ना। उसी तरह से देखिए आप लोग क्या है, मून, मून मीन्स होता है बेटा चंद्रमा, मून मीन्स चंद्रमा, स्टार, स्टार मीन्स तारा, आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे, मून एंड स्टार, एंड देखिए नाउन, दोनों नाउन्स के बीच में क्या लगा है, एंड लगा है, मून, मून मीन्स क्या होता है, चंद्रमा। आप देखे होंगे रात में चंद्रमा आसमान में आपको देखने के लिए मिलता होगा, और तारा भी आपको, चंद्रमा के साथ कई तारे भी आपको देखने के लिए मिलते होंगे, और उस टाइम आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा, जिसे आप लोग चंदा मामा भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हम नाउंस के बीच में एंड का प्रयोग करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, दो नाउंस के बीच में एंड का प्रयोग करके पढ़ सकते हैं। तो आपको बेटा एंड का प्रयोग अच्छे से करने आ गया होगा और पढ़ने भी आ गया होगा, नहीं आया हो तो वीडियो को आप पुनः देखें। थैंक यू।